नेपालपुर में युवा संगठन द्वारा शहीद भागीरथ जी सिलावट की 164वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके अंतर्गत नेपालपुर के चमन चौराहा पर स्थित शहीद भागीरथ जी सिलावट की मूर्ति पर युवा संगठन के सदस्यों द्वारा शहीद भागीरथ जी सिलावट को माल्यार्पण किया गया एवं सैकड़ों दीप से प्रज्वलित कर भव्य भारत माता की आरती की गई। संगठन के शिवम सोनी ने बताया कि भागीरथ जी सिलावट 23 अक्टूबर सन 1857 की क्रांति में हमारे नगर में शहीद हुए थे। अतः युवा संगठन प्रत्येक वर्ष शहीदों के सम्मान में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी भी राष्ट्रीय कार्यों के प्रति समर्पित होगी। इस अवसर पर युवा संगठन के सदस्य हिमांशु कुमावत, राम डागर, शुभम गुप्ता, विपुल सोनी, बंटी दायमा, दीपक चौहान, राजवर्धन गोस्वामी, आशीष शर्मा, विकास कुशवाहा, राहुल अभिषेक जाट, कवि पृथ्वीराज चंदेल सहित हिंदू जागरण मंच के एवं शहीद समरसता के प्रमुख सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नगर सहित ग्रामीण युवा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आभार युवा संगठन के सदस्य चेतन व्यास द्वारा प्रकट किया गया। देपालपुर से दीपक सैन की रिपोर्ट। हमारे देपालपुर के लोह पुरुष शहीद भागीरथ जी सिलावट की 164वीं पुण्यतिथि है, जिसके अवसर पर युवा संगठन के सभी साथी एवं देपालपुर के गणमान्य नागरिक एवं हमारे ग्रामीण से पधारे हुए सभी साथीगण एकत्रित हुए हैं और आज हमने शहीद भागीरथ जी सिलावट की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत माता की भव्य आरती करी है एवं भागीरथ जी सिलावट को पुष्पमाला अर्पित करके उनके जीवन जीवनी पर प्रकाश डाला है। आपका नाम? मेरा नाम शिवम सोनी है। हम युवा संगठन में लगातार कार्य करते हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है।